अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल साहब एम फार्मेसी के नाम से, तो आज आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही समझने वाली वीडियो है और आजकल बहुत से लोगों को ये मसला बन रहा है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, गौर से देखना है। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपने उससे पहले हमारा चैनल साहब एम फार्मेसी वाला सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना है, आप लोगों तक न्यू वीडियो आने वाली आसानी आप देख सकेंगे। आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको बोर भी नहीं होने दूंगा और मुकम्मल तफसील भी बताता चलूँगा और कोशिश करूँगा शॉर्ट सी वीडियो बन जाए। अगर आप शॉर्ट नहीं चाहते तो ये बता सकते हैं, फिर आपको लॉन्ग वीडियो में मुकम्मल इस एक एक चीज़ का, मैं नहीं एक एक चीज़ की आपको तफसील बताया करूँगा, ठीक। सबसे पहले मैं आपको जो बता दूँ, टर्बिडर्म जो क्रीम है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा आपको वो इन्फॉर्म कर लूँ। पहले देखेंगे टर्बिडर्म क्रीम 10 mg में है, 10 mg में है क्रीम है। कंपनी की बात करें, अटको है, अगर ये बात करें तो इसके सॉल्ट की टर्बिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड क्रीम जो होती है, जो टर्बिनाफिन होता है ना, एक एंटी फंगल दवाई है जो फंगल कील इन्फेक्शन और पिट्रीसिस जो है ना वर्सिकुलर दाद के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें जाक, खारिश और एथलीट के पाँव शामिल हैं। ऐसे यहाँ तो मुँह से लिया जाता है, मुँह के लिए जो है ना टर्बिडर्म टैबलेट होती है, टर्बिडर्म 4 टैबलेट भी होती है, यहाँ तो इसे मुँह से लिया जाता है या क्रीम या मरहम के तौर पर लगाया जाता है। अब मैं बात करूँ टर्बिडर्म की, तो बात मैंने आपको बताई कि ये कैसे इस्तेमाल की जाती है और ये क्या चीज़ होती है। अब बात हाइड्रोक्लोराइड की करें तो ये एक नामियाती बुनियाद के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बरह रास्त इतिहाद से तश्कील दिया गया है, जो नामियाती अज़ा को ज़्यादा गंजशील बनाता है। इसमें इसका दूसरा, अगर मैं दूसरे तरीके से बयान करूँ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना इस वक्त बनता है जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी में बनाया जाता है। ये तो इसका बेसिक काम वो बता दिया है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। अब मैं आपको सीधे अल्फाज में बताऊँ तो ये अगर आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन, खारिश, एलर्जी किसी किस्म की, इस तरह की किसी किस्म की भी खारिश है आपको, तो ये आप इसमें टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल, ये वाजह ऊपर लिखा भी हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये देख लेना है कि अगर आपको इस तरह का मामला है तो इसके साथ ये दरअसल सबसे पहले बात बताऊँ एक आपको, ये बड़ी टेक्निकली बात है, बहुत से लोग हम देखें, हमें कोई वो नहीं है कि भाई हम बता के क्या करें, बस ऐसे जनरली जो भी लोग आते हैं ना लेने के लिए हमारे पास मेडिसिन, या कोई इस तरह का कोई मामला बन जाता है, इस तरह के पेशेंट ठीक हो जाते हैं या इस चीज़ से वो हो जाता है, या कि कोई डॉक्टर नुस्खा लिख देता है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है, ये मेडिसिन इसने यूज़ किया है या हमने ये मेडिसिन यूज़ करवाई है, तो उससे वो अच्छा रिजल्ट निकलता है, उस हिसाब से फिर जैसे कि टेस्ट उनके करवाए जाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद फिर मेडिसिन ट्रीटमेंट की जाती है, जब मेडिसिन ट्रीटमेंट की जाती है तो उसी से पेशेंट जब हमें कमेंट करता है कि मैं बहुत जो है ना बेहतर हो गया हूँ, अच्छा कमेंट आता है, तो इस हवाले से फिर हमारा इसमें हौसला अफजाई हमें हो जाती है, फिर हम इसी वजह से आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप लोग ये चीज़ें समझ सकें और आप घर बैठे भी या नज़दीक किसी डॉक्टर से या किसी फार्मासिस्ट से आप आसानी खुद भी जा के ले सकते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, बॉडी पे रेशेज बने हुए हैं या आपकी बगल के नीचे बने हुए हैं, बाज़फ़ा पेनिस पे बन जाते हैं, बाज़फ़ा यानी ये प्राइवेट पार्ट पे भी बन जाते हैं, ये सारा हिस्सा औरतों में भी मर्दों में भी ये जो है ना होता रहता है। आप लोगों को अगर इस तरह के मामला हों तो आपने यही करना है कि इस चीज़ को इस्तेमाल, टर्बिनाफिन में टर्बिसिल होती है, लेमिसिल यानी और मेडिसिन होती हैं, ये चीज़ें आपने इस्तेमाल कर लेनी होती हैं। टर्बिनाफिन इसका सॉल्ट चेंज नहीं होता, नाम चेंज हो जाए वो हो, अच्छी क्वालिटी कंपनी अच्छी हो तो कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ आपने ये चीज़ का फ़ायदा लेना है, हम सिर्फ जस्ट यही कहते हैं कि जो हमारे तक इन्फॉर्मेशन होती है हम ये फील करते हैं कि ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक जानी चाहिए, तो इस वजह से हम चैनल पे इस वजह से बनाया और आप लोगों तक ये वीडियो प्रोवाइड करते होते हैं। इसी में आपको भी बहुत शुक्रिया, मैंने देखा है मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह पीछे बहुत सी वीडियो हैं, बहुत से लोग इस चीज़ को देखते हैं और पूछते भी हैं, तो इसी तरह अगर आप लोग मेरी वीडियो को अब देखें, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं, इसमें वॉइस का चेंजिंग नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, जस्ट हम आप तक वीडियो पहुँचाते हैं, सिंपल वीडियो बना के और जो मेन मकसद होता है वो आप तक पहुँचा के, और इसी में अगर आप लोग वीडियो को समझ के और इसमें पॉइंट ढूंढ के, ये पॉइंट अब एक और आपको मसला बताऊँ, ये क्या ढूंढते हैं, अब ढूंढने वाला ये होता है कि किसी की ये देखते हैं कि इसकी थोड़े से आवाज़ में ये है, उसमें ये है, एडिटिंग ठीक हो, यार एडिटिंग को छोड़ो, ये सारा चीज़ें छोड़ो, आपने सब ये देखना है कि आप लोगों तक जो मेन मेन बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल रही है, अगर तो वो मिल रही है तो आप जो है ना वो इसी तरह इस्तेमाल किया करें, उस पर पाबंद रहा करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप यही कोशिश करके जो मैं इसमें बता रहा होता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है, क्या चीज़ है इसके अंदर, कैसे क्या बनता होता है क्या नहीं, तो इसी को फॉलो करते हुए अगर आप देखें तो उसी में इस्तेमाल करो वही चीज़ें, अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस चीज़ का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो उस चीज़ को मैं फिर क्लियर करूँगा। तो अब हम वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।